वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में हम औद्योगिक नीति 1948 के पृष्ठभूमि पर पहले हमने चर्चा किया था, आज हम शुरू करेंगे औद्योगिक नीति 1948 बीए पार्ट टू पेपर थर्ड। तो थोड़ा सा इसके पहले भी इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी बहुत इसके बारे में आज हम चर्चा करके और पुनः हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 1948 नीति भारत के औद्योगिक नीति की प्रथम औद्योगिक नीति आज़ादी के बाद या भारत सरकार के गठन के बाद 6 अप्रैल 1948 में इसकी घोषणा की गई और तब से इस नीति की समीक्षा के दरमियान भिन्न भिन्न औद्योगिक नीतियां बनी, लेकिन जो भी औद्योगिक नीति का जो बेस है वह 1948 का ही औद्योगिक नीति का बेस है। तो आज़ादी के बाद जो यह औद्योगिक नीति बनी उसको मोटा मोटी 4 श्रेणियों में विभक्त करके हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो पहला है 4 इसके महत्व को देखते हुए उस समय के शास्त्रियों ने विद्वानों ने 4 श्रेणियों में इसका विभाजन किया। पहला है राज्य के एकाधिकार के क्षेत्र, छात्रों जब औद्योगिक नीति जब बनने लगी तो सर्वप्रथम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह महसूस की गई कि अगर एकमात्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी अस्त्र शस्त्र के या युद्ध सामग्री जो भी उद्योग हैं उस पर पूर्ण एकाधिकार होना चाहिए, और वह भी किसका होना चाहिए? भारत सरकार का होना चाहिए, किसी राज्य इकाई के नहीं, भारत सरकार का होना चाहिए। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की बात नहीं है, बाहरी सुरक्षा की बात है, और बाहरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सी बातें गोपनीय है। गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए यह महसूस किया गया और उसी अनुभव के आधार पर सबसे पहले जो उद्योग और इकाई बनी वो सरकारी पूर्ण नियंत्रण भारत सरकार के देखरेख में यह युद्ध सामग्री उद्योग के संबंध में पॉलिसी बनी, और उसी के साथ साथ युद्ध सामग्री परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा भी यह भी गोपनीय होना चाहिए क्योंकि इससे भी यह बहुत रिस्की या इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका देखरेख, इसका हिफाजत या इसका मॉनिटरिंग, यह महसूस किया गया कि भारत सरकार के अलावे या किसी वैसा सरकार, राज्य सरकार भी है तो उसका एकमात्र अधिकार होना चाहिए, उसमें दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसके लिए वह एकाधिकार, राज्य के एकाधिकार के क्षेत्र में वैसी इकाइयों का निर्माण करने का प्रावधान व्यवस्था इस औद्योगिक नीति में की गई। इसी में रेल परिवहन को भी लाया गया है।